आज हम हैं घनश्यामपुर में। हम जा रहे थे क्योंकि डीएम का कार्यक्रम था यहाँ। घनश्यामपुर के बगल में किरतपुर के एक पंचायत में जिलाधिकारी का आज निरीक्षण था। हालांकि समय से हम नहीं पहुंच पाए, एक निजी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, जिस कारण हम वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसी दरमियान जिला परिषद जो घनश्यामपुर के हैं, धर्मेंद्र झा से हमारी मुलाकात हो गई। क्योंकि घनश्यामपुर के जो जिला परिषद हैं धर्मेंद्र झा, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई है और चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। और चुनाव में इन्होंने कई तरह के वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि मैं नेता नहीं, इस क्षेत्र का बेटा हूं। तो चलिए हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं। आपने कहा था कि मैं नेता नहीं, क्षेत्र का बेटा हूं। तो आप क्षेत्र के बेटा होने का कितना अपने आप को साबित किए हैं कि आप वाकई में क्षेत्र के बेटा हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे मित्र रह चुके हैं। क्षेत्र के बेटा जो है वो कहने से नहीं, करने से होता है। पूर्व में एक माँ का कोख उजर रहा था। रात के 11 बजे मेरे फ़ोन पे घंटी बजी थी कि भैया हमें सांप काट लिया गया, और हाफ पैंट में मैं चलकर यहाँ से दरभंगा उसको पारस में भर्ती करवा के, और 4 दिन के बाद वो होश में आया, वो जिंदा है अभी। तो तन मन धन से मैंने उसका मदद किया था। एक लाचार बेबस माँ के बेटे को कैंसर हो गया था, मैं बचा तो नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ DMCH लेकर और पटना दिल्ली एम्स तक उनको भेजा, और आर्थिक सहायता के रूप में 40,000 उस माँ को देकर मैंने कहा, अगर बच्चे को किसी भी चीज़ की और ज़रूरत हो तो आप हमें कहिएगा, हम आपके साथ में तैयार हैं। छोटी छोटी तो बात होती रहती है, कभी अगजनी का घटना होता है तो कभी करंट की घटना होता है। ऐसा घटना में हमारी ऐसा रहा है कि मैं सबसे पहले जाके मिला हूँ। हाल ही में एक घटना घटी है घनश्यामपुर के हरिद्वार में। हरिद्वार का एक युवक है जिसका नाम गौतम पाठक है। गौतम पाठक लापता होता है। उसके 4 से 5 दिन यानी कि 1 सप्ताह के बाद उसकी जो लाश है वो अलीनगर थाना क्षेत्र में मिलती है। उसके बाद आप वहाँ जाते हैं घनश्यामपुर, घनश्यामपुर के जिस गांव का वो गौतम पाठक है। हम ये नहीं जानते हैं कि गौतम पाठक की मृत्यु कैसे हुई, उसके पीछे रहस्य क्या है, ये सब जानेंगे उनके माता पिता से। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने एक वादा किया है कि हम, क्योंकि अब 1 साल तो आपका बीत गया, अब बचे 4 साल, आपने 4 साल तक 1500 रुपया महीने के हिसाब से आपने प्रति महीना देने का वादा किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हम कहते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं, और जो नहीं कहते हैं तो बिल्कुल करते हैं। हमने जो जो वादा किया है वो आप सर्वे कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने अभी तक 1 साल में किन किन मुद्दों पर काम किया है, किन किन मुद्दा को मैंने गंभीर से लिया है। गौतम पाठक के माँ से जो मैंने वादा किया है वो एक बेटा का वादा है। गौतम पाठक का जगह तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनके माँ का दिया हुआ इस बेटे पे जो आशीर्वाद है उसका एक छोटा सा अनुभव, एक मैंने मदद किया है, प्रयास किया है मैंने, और मैंने उनसे वादा किया है कि आपका बेटा धर्मेंद्र 4 साल तक, जब तक मैं इस पद पे हूँ, सरकार के द्वारा मिलने वाली मानदेय के 2500 में से 1500 रुपये प्रति माह के अंतिम तिथि 30 तारीख को आपके घर तक मैं पहुँचाऊँगा। आगे अगर छोटा छोटा और भी किसी तरह की दिक्कत होगी तो जो हमारा टीम है धर्मेंद्र झा समर्थक, वो आपके साथ में तैयार है। तो आपको डर नहीं लगता है, आप इस तरह का वादा करते हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं सामने, पूर्व के भी जनप्रतिनिधि होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के वादा के बाद वो लोग आपको कहीं उस वादे के वादे के हिसाब से ना आपको टारगेट करना शुरू कर दे? आपको डर नहीं लग रहा इस सबसे? गरीब को डर लगता है। एगो बात बताइए, जब हम चुनाव में थे ना मेरे पास खोने के लिए ना कुछ पाने के लिए है। जब हम चुनाव के मैदान में थे तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े हमारे साथ में, उस टाइम में भी विभिन्न तरह की घटनाओं का डर हमें माहौल पैदा होता था। तो डर तो हमें है ही नहीं, डर तो सिर्फ ऊपर वाले अल्लाह ताला का और ईश्वर का डर हमें होता है कि कुछ ऐसा हमसे गलती नहीं हो जो ऊपर के रसूख में हम गुनाहगार हो जाएं। आपको नीचे बैलेंस तो मैं डरता ही नहीं हूँ, अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ। हाँ, हमको ये ज़रूर पता है कि जो मैंने निर्णय लिया है, जो देने का मैंने वादा किया है, तो यहाँ पे बड़े बड़े रसूखदार जो लोग हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं जिनकी सैलरी लाखों में है, उनको जरूर चुभेगा ये। लेकिन चुभना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए,
हम तो भैया एक छोटा सा जिला परिषद है जिसकी मानदेय 2500 है, तो इसमें किसी भी तरह की आक्रामक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ के उस परिवार को मदद करना चाहिए ताकि हमारा एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो, और जिस जनप्रतिनिधि को जिस तरह से लोग 5 साल के लिए वोट उनके झोली में डालते हैं वो पारदर्शिता होना चाहिए। तो उस पे अधिकार, उस पे जो अधिकार है वो जनता का है, आपके मानदेय पे अधिकार आपका नहीं जनता का है। उस पे तो मेरे माँ बाप का भी अधिकार नहीं है, ना मेरी पत्नी का अधिकार है, क्योंकि मैं तो जनमत से चुन के आया हूँ, तो वो अधिकार तो सब जनता का है। एक बात हमको बताइए, जिस हिसाब से जो हमारी मानदेय तय हुई थी, ये कह के सरकार हमें नहीं देती है कि भैया बड़का बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, लग्जरी ले लो, सेवा के लिए मिलता है ना, तो सेवा का भाव आज भी आप हमको देखिएगा, एक मोटरसाइकिल जो चुनाव में था वो आज मोटरसाइकिल मिलेगा ना, मेरे पास में ज्यादा जमींदार के तरह ना कोई बहुत बड़ा दरवाजा है जो हम आपको बिठाएंगे भी, सड़क पे ही आपसे कई साल के बाद मिले हैं, 1 साल के बाद सड़क पे इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दरवाजा भी नहीं है। हाँ, इरादा मेरा मजबूत है, मेरे पीछे जो हमारी जनता, जो हमारे युवा हैं, वो हमें हर समय समाज के कल्याण के लिए हमें मजबूत करते हैं, हमारे इरादे बुलंद हैं और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इरादे मजबूत है, इसमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है, और जो प्रतिनिधि या जो भी बड़े प्रतिनिधि अगर वो इस तरह का सोच रहे तो उन्हें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें धर्मेंद्र झा की तरह और आगे आना चाहिए। समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी मदद की ज़रूरत है, आपको मदद करनी पड़ेगी, और अगर आपने जनता के वोट से नेता बने हैं तो फिर जनता का ही अधिकार है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, इसका सवाल भी जनता ही आपसे ही पूछेगी। जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि हम चुनाव जीत करके बड़े हो गए हैं, तो याद रखिए DBN TV उसे फिर चुनावी समय में याद दिलाने जरूर आएगा, और ऐसे लोगों को सही जगह पहुंचाने का भी काम करेगा जो जनता के साथ आज ठगी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक बात जानना चाहेंगे, आप 1 साल बीत गया, आपने 1 साल के दरमियान में क्या कुछ काम किया है, ये तो रही कि आपने क्या कुछ किया है, लेकिन विकास से जुड़ा हुआ क्या कुछ आपने किया है? नहीं, विकास की बात करेंगे तो आप स्वास्थ्य पे भी चर्चा करेंगे, मेरे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र था आपको, तो वो आपको माननीय संजय झा के द्वारा आपको उसका शिलान्यास उद्घाटन भी हुआ था, तो उस पर डॉक्टर नहीं थे, तो मैंने आपको जैसे ही पद पे आसीन हुआ तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे MBBS डॉक्टर का मैंने नियुक्त करवाया, अभी वो हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे पंचायत में काफ़ी हर्ष का विषय है। दूसरी बात, किसानों का समस्या था पटवन का, तो मैंने जितने भी स्टेट बोर्डिंग है सब जिला अभियंता से मिलकर लघु सिंचाई विभाग में जाकर मैंने उसका भी आपको राशि मुखिया जी के फंड में ट्रांसफ़र करवाया है, उस पर भी काम चालू हो रहा है। अब आ जाइए शिक्षा पे, तो आप हमारे प्रखंड में सच्चाई यह है कि जहाँ जहाँ हमारी आपको बातचीत और हमारी वहाँ पे इंटरेक्ट हुई है वहाँ पे मैं गया है, तो वहाँ पे शिक्षक ठीक 10 बजे अपने समय पे पहुँच जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको अभिभावकों का भी बनता है, आपको सब जनप्रतिनिधि पे ही छोड़िएगा तो अभिभावक के कुछ बनता है, तो सजगता उनको भी होना चाहिए। हाँ, उसमें अगर कमी है तो वो होना चाहिए। एक लेकिन सबसे बड़ी आपको जो यहाँ के लिए अभय वरदान था आपको, वो था कोई जनप्रतिनिधि फोन नहीं उठाता था, जो समस्या सबसे प्रमुख समस्या था। विकास तो हम रहे या कोई रहे, विकास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका निजी भी उसमें कुछ ना कुछ रहता है आपको, क्योंकि उसको उसी में कुछ कमाना भी होता है, ये कोई भी हम रहे ना रहे उसमें तो निजी आपको मामला होता है, कुछ कमाना भी है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है आपको। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी आपको, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जीतने के बाद मोबाइल का जो पहले वाला सिम तोड़ के फेंक देते थे, 5 साल बस AC का आनंद लेते थे, लग्जरी गाड़ी का आनंद लेते थे, उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया। रात हो या दिन हो, मैं लोगों का फ़ोन उठाता हूँ और मैं उस पर संज्ञान लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं दलित पीड़ित शोषित और वंचितों को मैंने DMCH में ऐसे ऐसे हालत में मैंने उनका पैरवी किया है, मदद किया है, जो आपको हमारे सर्वे करने, हमारे कहने से नहीं होगा, हम आपको लंबी लंबी बात फेंकेंगे इसे नहीं होगा, आप जाके धरातल पे सर्वे कीजिए, फिर हमको नंगा कीजिए यहाँ पे, ये मेरा चैलेंज है आपको, आपके माध्यम से। दूसरी बात है, एक बात जरूर हो गया है कि घनश्यामपुर प्रखंड 14/1 पूर्वी के जनता के साथ में कि जनप्रतिनिधि क्या होता है इसका मतलब वो लोग समझ गए हैं, आम पब्लिक का वोट का वैल्यू क्या होता है वो जरूर जगाने का हमने काम किया है। हम रहे ना रहे हमारी यादें रहेगी, कोई भी आएंगे तो ये जो कोई सोच के आज पटना में हो चाहे दिल्ली में हो,
चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, कोई भी हों, तो मैं एक बात बता देता हूं, भैया आपको जागना पड़ेगा। जनता से आप हैं, आपसे जनता नहीं है, जनता से आप हैं, क्योंकि जनता का बहुमूल्य वोट से आप चुन के आए हैं और सेवा करना आपका मूल कर्तव्य है, क्योंकि ये आपने चुनावी वादा करते हैं, आप बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करते हैं चुनाव के समय में, उसको धरातल पर लाना होगा, तभी इस देश में अमन चैन शांति होगी। मेरा कहना है विकास के कार्य, हमारी जो डेवलपमेंट है रोड सड़क, इस पर भी हमारे काम चालू है। आप सर्वे कीजिएगा, जब आप हमको बोलिएगा, हर गांव में आप पता कीजिएगा। मैंने कुमरोल में भी काम किया है, स्टार्ट है मेरा, अभी मैंने गोरहेल में तुमोल पंचायत में भी काम शुरुआत किया है। देखिए होता है क्या, सौगात बड़ी या चादर छोटी है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसमें मेरा प्रयास है कि पहले से बेहतर हो। ऐसा नहीं है कि भैया सो जाना है, योजना बेच लेना है, ऐसा नहीं है, योजना को लाना है। इन्होंने कहा है कि पद बड़े और सौगात छोटा, यही हो रहा है जिला परिषद के साथ, लेकिन इस बार जो जिला परिषद की राशि है उसे बढ़ा दी गई है, तो इस लिहाज से धर्मेंद्र झा कई जगह विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन कहां कहां काम कर रहे हैं ये सर्वे के बाद ही हम बता पाएंगे। वैसे इन्होंने कहा था कि चुनाव के समय मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, तो इन्होंने साबित कर दिया है। घनश्यामपुर के एक घटना में इन्होंने जिस प्रकार से अपने मानदेय को लगातार 4 साल तक देने का काम किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा दिल दिखाने का काम है। ऐसे और जनप्रतिनिधि को इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए।